ये सिर्फ GTR का सिंगल प्रोजेक्टर है, इसका लाइट का थ्रो आप देख सकते हैं, तो बहुत ही दूर तक जा रहा है ये। टोटल इसका रिस्पांस आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसा आता है। GTR के प्रोजेक्टर राउंड है और मेरे गाड़ी के प्रोजेक्ट ये जो फॉग लैंप देखेंगे तो एक अलग शेप में है। सिंगल प्रोजेक्टर का थ्रो इतना दे रहा है, तो सोचो दो प्रोजेक्टर एक साथ लगाने के बाद कितना अच्छा लाइट मिलेगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चोर के ऑटोमोटिव। तो आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको GTR की तरफ से आने वाले प्रोजेक्टर जो कि 3 इंच साइज में है, और IPS का प्रोजेक्टर आपने मैंने चैनल पर देखा ही होगा, तो उसी के एक अपग्रेड आप कह सकते हैं ये GTR प्रोजेक्टर। पहले तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग देखने के बाद मैं कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ आपको IPS के साथ इसका। अगर YouTube पे मैंने बहुत सर्च किया, किसी ने इसका वीडियो नहीं डाला था, तो हम पहले ये जो वीडियो डाल रहे हैं, अगर पॉसिबल होता है तो मैं गाड़ी पर साइड बाय साइड आपको इसका दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद रोड पे रिस्पांस देखेंगे कि कैसा इसका थ्रो अपने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे तो फ्लैट कट ऑफ मिलता है, वो क्या चीज़ है आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप इसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है बॉक्स, और ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, उसके साथ ये ट्राई कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है, उसी के साथ ये दो टाइप्स के ब्रैकेट्स आते हैं, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर नीचे आपको ISO सर्टिफाइड की बैजिंग मिल जाती है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। तो खोलने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1 ईयर वारंटी कार्ड। तो ये वारंटी कार्ड आपको रखना जरूरी है वारंटी क्लेम करने के लिए। तो चलिए इसे बाजू में रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर की पैकिंग। तो ये ब्रैकेट को हटा देते हैं बाद में। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ब्लू कलर की लेंस इसके साथ आपको मिलती है, उसके ऊपर ये बेजल है, ये निकल जाता है किस गाड़ी में बैठता है, तो कोई कोई गाड़ियों में नहीं बैठता। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। तो LED कूलिंग के लिए यहाँ पर दो थर्मल बेल्ट दिए गए हैं जो LED को कूल रखेंगे। उसके साथ ये लेंस आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आता है। ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से इस पर लगने वाला है। तो इस तरह से ये प्लास्टिक का ब्रैकेट है माउंटिंग के लिए। ये स्क्रू मिल जाते हैं माउंटिंग करने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए। तो ये IPS के प्रोजेक्टर के साथ आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। ब्लू लेंस वाला GTR है, व्हाइट लेंस वाला IPS है। तो इस तरह से कुछ एक राउंडेड डिजाइन है, और पीछे से भी आप देख सकते हैं इस तरह से मिल जाता है। अगर IPS में आप देखते हैं तो IPS में आपको इस तरह से ड्राइवर मिलता है, उसी के साथ GTR में सिर्फ आपको वायर्स मिलती है। तो चलिए देखते हैं रोड पर इसका थ्रो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी है i20, और यहाँ पर आप लाइट का अंधेरा देख सकते हैं कितना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं गाड़ी पर मैंने ये फॉग लैंप इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये कैसे किया, ये i20 पे नहीं होता, मैंने एक जुगाड़ किया है आपको ऑल प्रोजेक्टर का एक सेटअप दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप थ्रो का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा ये पैटर्न फैल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने एक प्लेट लिया है, जिस पर ये सारे फॉग लैंप हम माउंट करने के लिए माउंटिंग्स तैयार किए। तो आपको कोई भी प्रोजेक्टर का कंपैरिजन दिखाना रहेगा तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो इस प्रोजेक्टर का आप थ्रो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फैल रहा है। अगर आप दूर से भी देखेंगे तो GTR का प्रोजेक्टर सच में एक अच्छा प्रोजेक्टर है जो बहुत अच्छी लाइट देता है। अगर आप यहाँ पर रोड की कंडीशन भी देखते हैं तो थोड़ा सा लाइट है स्ट्रीट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी अवेलेबल है। फिर भी आप ये लाइट का कट ऑफ इस वॉल पर भी देख सकते हैं, और कितना दूर तक जा रही है ये भी आपको इसमें पता चलेगा। अगर गाइज आप दूर से भी गाड़ी देखते हैं तो इसका थ्रो आपको इस थोड़े से फॉगी कंडीशन में अभी दिखाई दे रहा होगा कि कैसा इसका स्प्रेड बनता है, और दूर से भी बहुत ही अच्छा इसका लाइट दिखता है। ये सुपर व्हाइट कलर में है जो कि 6500 कलर टेम्परेचर इसका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पैटर्न और थ्रो इस थोड़े से फॉगी कंडीशन में आपको समझ में आ रहा होगा। जो कटऑफ भी बन रहा है एकदम लाइन में बन रहा है, जो इस फॉग लैंप के बॉक्स पे लिखा है फ्लैट कटऑफ, तो वो यही चीज़ है कि जो लाइन देख सकते हैं आप IPS में जैसे राउंड बनते हैं, इसमें सीधा पैटर्न बनता है ऐसा कर्व वाला, जिसे दिखने को भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप ये प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको एक मैसेज करना है और आपको ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। अगर आप पुणे के एरिया से हो तो आप हमारे शॉप पर आकर भी इसे हमसे इंस्टॉल करवा कर ले सकते हैं, और ये इसके साथ एक साल की वारंटी भी आपको मिल जाती है। तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा चलने वाला है, और कोई दिक्कत भी आती है एक साल में तो आपको ये रिप्लेस होकर मिलने वाला है। ऑलरेडी हम ऑल ओवर इंडिया इस प्रोडक्ट को हम सप्लाई कर रहे हैं, और इसका प्राइसिंग वगैरह आपको सब व्हाट्सएप पे पता चलेगा। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना पड़ेगा, और 5 से 6 दिन में आपके पास ये पार्सल मिल जाएगा।
जाएगा और ये आपको टोटली जो है पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ता है और बाद में आपको ये डिलीवर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप 7 दिन के अंदर हमें ये रिटर्न कर सकते। तो चलिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो और अगले वीडियो के लिए देखते रहिए चोरगे ऑटोमोटिव। सो गाइस, ये कुछ वीडियोस है जो आपको देखने चाहिए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है।